मेरे डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट 60,000 है, बट मुझे प्रोडक्ट 72,000 रुपीज का करना है, तो क्या गाइस मैं प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ या फिर मुझे डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट को इंक्रीज कराना होगा? तो गाइस अगर आपके पास में भी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं? अगर आपकी लिमिट कम है और आप लिमिट से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, कोई भी सामान को खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे, पूरा प्रोसेस पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस मैंने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है और जो मेरे पास में डेबिट कार्ड अवेलेबल है उस डेबिट कार्ड पर मुझे 60,000 की डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट प्री अप्रूवेड के तौर पर मिली हुई है। लेकिन अगर मैं 60,000 से अबव किसी भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाता हूँ तो वहां पर मेरा ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमें प्री अप्रूवेड लिमिट यहाँ पे 60,000 की मिली हुई है। 60,000 से अबव मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर सकता, और ऐसी परिस्थिति लगभग सभी लोगों के पास में आ जाती है, क्योंकि डेबिट कार्ड पर जो ईएमआई लिमिट प्रोवाइड होती है वो उनके अकाउंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से सिबिल के बेसिस पर आपको लिमिट यहाँ पे दी जाती है। कुछ लोगों को 30,000 रुपए की डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट मिलती है, तो कुछ लोगों को 1,00,000 से अबव भी डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट दी जाती है, तो वो लोग आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कम लिमिट मिलती है और वो ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रोडक्ट को सामान को नहीं परचेस कर सकते। अगर आपको अपनी लिमिट से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो फिर अगर आपके डेबिट कार्ड पर डाउन पेमेंट का ऑप्शन है तो आप डाउन पेमेंट करके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, बट अपने लिमिट के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस नहीं कर सकते। तो गाइस बात यहाँ पर आती है, अगर हमें लिमिट से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू 40,000 रुपीज की लिमिट बैंक की तरफ से मिली हुई है तो उस लिमिट के अंडर आप कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए। जब आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, चाहे आप 10,000 का करो या फिर 8,000 का करो, और उसकी ईएमआई आप रेगुलर पेड कीजिए। जब आप ईएमआई को रेगुलर पेड करेंगे, चाहे आपके पास में थर्ड ईएमआई आए या फिर सिक्स ईएमआई आए, उस ईएमआई को आपको अपने सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली पे होने देना है। और जब आपकी ईएमआई टाइम पर ऑटोमेटिकली ईसीएस के जरिए आपके अकाउंट से डेबिट होगी तो आपके डेबिट कार्ड की ईएमआई लिमिट है वो एक टाइम बाद इंक्रीज हो जाएगी, और जब लिमिट इंक्रीज हो जाएगी तो आप आसानी से कोई भी अपने लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को सर्विस को बाय कर सकते हैं। डेबिट कार्ड ईएमआई के जरिए हम अधिकतर ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और जब ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का अधिकतर हम यूज करते हैं, और दोनों सर्विस में दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन पे में अगर आप कुछ अमाउंट एंटर करते हैं और उसके बाद जो आपके पास में बचा हुआ अमाउंट है जो आप डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट में से यूज करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड ईएमआई ऑप्शंस को स्विच करेंगे आपके वॉलेट का अमाउंट यूज नहीं होगा। तो गाइस ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर लिया है। अगर आपके मन में ये डाउट था कि हम वॉलेट बैलेंस में कुछ अमाउंट को ऐड कर लेते हैं और बाकी जो अमाउंट हमारा बचेगा उसको हम ईएमआई लिमिट में से यूज कर लेंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट को सिलेक्ट करेंगे, टेनर सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट से जो आप राइट करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, बट आप वॉलेट अमाउंट को एंड डेबिट कार्ड का जो आपके अकाउंट में अमाउंट है, सेविंग अकाउंट में आपके पैसा पड़ा है, उसको दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, बट आप ईएमआई ऑप्शंस को और वॉलेट ऑप्शंस को एक साथ में यूज नहीं कर सकते। तो गाइस बेहतर ऑप्शंस आपके लिए यही है, आप डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट में से कुछ अमाउंट को स्पेंड कर लीजिए, उसके बाद आप ईएमआई पेड कीजिए, टाइम पर ईएमआई पेड कीजिए, अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस को मेंटेन रखिए, और आपकी जो ईएमआई है
वो एंड होने को आएगी, तब तक आपके डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैसे डेबिट कार्ड पर जो आपको ईएमआई लिमिट दी जाती है वो टोटली आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाती है, आपका फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लिमिट मिलती है। तो गाइस अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपकी अगर डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट इंक्रीज हुई हो तो वीडियो के डाउन में कमेंट जरूर करें।